इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक रूपों से पाइए छुटकारा आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। फटैक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का हौसला हो और उड़ान भरने की चाहत, तो वो अपने मुकाम को हासिल कर ही लेता है। इसी कहावत को चरितार्थकर्ता समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर में बना एक सरकारी स्कूल का हवाई जहाज नुमा पुस्तकालय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि जिले के मोहिउद्दीन नगर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिपुर की चर्चा आम हो गई है। यहाँ के हेडमास्टर ने स्कूल परिसर के अंदर एक हवाई जहाज नुमा पुस्तकालय या यूं कहें कि स्मार्ट क्लास का निर्माण कराया है। इसका नाम शिक्षा उड़ान रखा गया है। इस पुस्तकालय का आकार पूरी तरह हवाई जहाज के रूप में दिया गया है। इसे ऐसे बनाया गया है जिसमें स्कूल के छात्र छात्राएं बैठकर पुस्तक का अध्ययन करने के साथ साथ स्मार्ट क्लास के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते। यह हवाई जहाज नुमा शिक्षा उड़ान जिले का पहला पुस्तकालय है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें बैठकर छात्र हवाई जहाज में बैठने जैसा आनंद उठा सकते हैं। शिक्षा उड़ान सरकारी स्कूल के एक छोटे से छत पर बनाया गया है। इसमें हवाई जहाज का पहिया भी लगाया गया है और इस विमान में चढ़ने के लिए सीढ़ियों के साथ साथ दरवाजे भी लगाए गए हैं। आधुनिक लाइटनिंग सिस्टम से सजाया गया विमान देखने लायक है। शिक्षा उड़ान पुस्तकालय का स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को स्कूल आने की प्रेरणा मिलेगी। किस तरीके से क्या बनाया गया ऐसा कि उनको विद्यालय आने में आनंद का अनुभव हो, तो मेघन जी के प्रति जो मेघन जी का जो एक सोच है, मैं उनका नाम सुनते रहा हूँ, विधायक नहीं था तो भी मैं उनका नाम सुनते रहता था, तो इनके प्रति एक आत्मीय लगाव भी मुझे है और मैं इनके प्रति बहुत ही सम्मान व्यक्त करता हूँ। और बाकी शिक्षकों से भी आग्रह करूँगा कि आप अपने विद्यालय में भी ऐसा कुछ करें जहाँ पे बच्चों आकर पढ़ें, उनको पढ़ने में रुचि हो। और देखिए, विद्या ददाति विद्यां विद्या धातु पात्रतां पात्रत्वं नोति धना धर्म तथा सुखम्। वही स्कूल के हेडमास्टर मेघन सहनी ने इसे अपने खर्चे पर बनाया है। उनका ये कहना है कि चूंकि इस स्कूल में इस काम को करने के लिए उन्हें अलग से सरकार के द्वारा राशि नहीं मिलती, इसलिए उन्होंने अपने खर्चे पर इसे बनाया और स्कूल के बिल्डिंग की स्थिति जर्जर थी तो इसे बनाकर उन्हें नए स्कूल को भी सवार दिया है। बच्चों का पढ़ाई के प्रति आकर्षण बना रहे, ये बहुत अच्छा विचार है। और सबसे इससे भी जो हमको उत्प्रेरित कर रहा है कि अपने निजी कोष से कोई सरकारी धन इसमें एक रुपया भी नहीं लगा हुआ, अपने निजी कोष से इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बनाए, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम स्वयं भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, हमारा बेसिक एजुकेशन यहीं से हुआ, तो एक आत्मीय लगाव है हमारा यहाँ पर। और जब भी हम यहाँ आते हैं तो हम अपनी पुरानी यादों में, पिछली यादों में खो जाते हैं कि हम भी यही पढ़ा करते थे, उस समय भी शिक्षक थे। और क्या उस समय हेलीकॉप्टर का व्यवस्था नहीं था आपके लिए? उस समय तो इतना नहीं था, उस समय तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में 2-3 मकान था, बस उसी में सारा 5 तक क्लास संचालित होता था। और इतना जितना अभी सरकार का मेघन सहनी जैसे शिक्षक अगर उस समय में होते तो निश्चित रूप से कुछ नया इनोवेशन होता उनके द्वारा। चलिए अब मेघन सर से बात करते हैं। हेडमास्टर मेघन सहनी के प्रयास का ही यह नतीजा है कि मोहिउद्दीन नगर स्कूल में अब एक पुस्तकालय भी बनकर तैयार है जिसमें छात्र किताबों के साथ साथ वो स्मार्ट क्लासेस भी ले सकते हैं। समस्तीपुर से जहांगीर आलम की रिपोर्ट, बिहार तक।